हाय बच्चा बाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक एंड वेलकम टू द क्लास 10th का चैनल, जहां पे मैं आपको पढ़ाती हूँ सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट और ऑल्सो साइंस, राइट। तो आज का लेक्चर होने वाला है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का। आपका सीबीएसई से जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था इस साल के लिए, 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था, उसमें ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये आपके सैम्पल पेपर का, लेटेस्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ये जो पेंटिंग है ये किन्होंने बनाई है, और इसका राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। और ऐसे ही कई सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हिस्ट्री और सिविक्स के सारी पिक्चर्स करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली पिक्चर्स आने की टेंडेंसी जो होती है वो सिर्फ हिस्ट्री या सिविक्स से होती है। तो हम पर चैप्टर चैप्टर वाइज सारी पिक्चर्स करेंगे। जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं करेंगे, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारी पिक्चर्स हम कर लेंगे। इसके साथ साथ जो जो प्रीवियस पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम्स में जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो भी चैप्टर वाइज मैं आज ही के सेशन में कराने वाली हूँ, एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्ट करें, शुड वी बिगिन? Just give me a quick yes, live chat. पहले मैं बता दूं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, पिक्चर का क्या टाइटल हो सकता है, दूसरा, पिक्चर का क्या अर्थ हो सकता है, और तीसरा, पिक्चर से आप क्या रेफर कर सकते हो। तो पिक्चर का मीनिंग और पिक्चर से क्या रेफरेंस निकाल सकते हो, दोनों सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन पिक्चर का क्या टाइटल हो सकता है, इस पे सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है कि फोटो में क्या दिया हुआ है या क्या डिपिक्ट किया हुआ है, या मान लो एमसीक्यू के फॉर्म में आप एक या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमेम्बर कि ये पिक्चर कौन से चैप्टर से आई है। इसीलिए आज के सेशन में मैं चैप्टर वाइज इमेजेस कराने वाली हूँ। अगर आपको चैप्टर पता है ना, तो आपसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, और एक बार ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया तो आप अपने राइट आंसर पे तो खुद पे खुद पहुंच जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस से, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की ये जो पहली फोटो है, चैप्टर शुरू होते ही ये जो फोटो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फोटो का टाइटल है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बनाई किसने थी, आर्टिस्ट का नाम है फेडरिक सोरियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 में बनाई गई थी। अब इसे ड्रीम क्यों बोला गया, इसे उटोपिया क्यों बोला गया, क्योंकि बच्चा जब फेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी 1848 में, तब दुनिया में इतनी सारी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी जितनी सारी नेशन स्टेट उन्होंने इस इमेज में दिखा दी है। ऊपर से उन्होंने दिखाया है इमेज में कि नेशन स्टेट में यहाँ पे जीजस क्राइस्ट भी दिखा दिए हैं, तो वो ऐसा दिखा रहे हैं कि नेशन स्टेट को भगवान की भी मंजूरी है। ऊपर फ्रटर्निटी लिखा हुआ है, मतलब भाईचारा लिखा हुआ है, एंजल्स लिखा हुआ है, ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं नेशन स्टेट को। आप अगर ग्राउंड पे देखोगे तो सिंबल्स ऑफ मोनार्की हैं। मोनार्की के क्या सिंबल्स होते हैं, छड़ी होती है, राजा का ताज होता है, वो सब कुछ ग्राउंड पे गिरा हुआ दिखाया है। मतलब कि मोनार्की खत्म हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब मोनार्की खत्म हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ नेशन स्टेट होंगे। यहाँ पे लिबर्टी का पर्सोनिफिकेशन के लिए स्टैचू लगा हुआ है। स्टैचू के हाथ में, एक हाथ में है आपका एनलाइटनमेंट का टॉर्च कि दुनिया में कभी ना कभी अंधेरा मिटेगा और लोग नेशन स्टेट की तरफ बढ़ेंगे, और एक हाथ में है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, राइट, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। क्योंकि तब तक स्विट्जरलैंड और यूएसए जो है नेशन स्टेट बन गए थे, इसलिए लिबर्टी के स्टैच्यू के आगे, सबसे आगे जो है यूएसए और स्विट्जरलैंड दिखाए गए हैं, पीछे आपका जर्मनी और फ्रांस, इस तरीके की कंट्रीज दिखाई गई हैं जहां पे अभी थोड़ा चल रहा था, मतलब तो अभी फिर से मोनार्की वापस आ गई थी या मोनार्की अभी तक एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। सो दिस इज एन उटोपियन विजन। उटोपिया का मतलब होता है एक सपना। उटोपियन विजन ऑफ फेडरिक सोरियो, मेड इन 1848। नेक्स्ट पेंटिंग इज दिस, जो आपको नेपोलियन वाले पोर्शन में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखने को मिलती है।
इसमें क्या दिखाया गया, मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। देखो, नेपोलियन बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। नेपोलियन ने मोनार्की दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दी फ्रांस में, लेकिन वहां पे वो थमा नहीं। उसे ऐसा था कि मैं सिर्फ फ्रांस को अपने कब्जे में नहीं करूंगा, पूरे यूरोप को कब्जे में करूंगा। तो जहां जहां वो अपनी फ्रांस की आर्मी लेके, फ्रेंच आर्मी लेके पहुंचता था कब्जा करने, मोनार्की को खत्म करने, पहले तो लोगों ने उसे खूब अच्छे से वेलकम किया, फिर लोगों ने उसे वेलकम करना बंद कर दिया। लोगों को समझ आया कि नेपोलियन भी बाकी मोनार्क की तरह ही है, ये कोई लिबर्टी विबर्टी नहीं दे रहा है, हमें कोई राइट टू वोट वगैरह नहीं दे रहा है, सेंसर लगा रहा है हमारे ऊपर, ऊपर से अलग, राइट? सो दिस पेंटिंग डिपेक्ट्स अ फाइट अगेंस्ट और अनवेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑफ यूरोप टुवर्ड्स नेपोलियन। जर्मनी की पेंटिंग है शायद, और इसमें ये दर्शाया गया है कि नेपोलियन जब अपनी फ्रांस की आर्मी लेके जाता था तो लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता था, पीपल वर अनवेलकमिंग। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है। अब ऑब्वियसली आपके पेपर में जो ऑप्शंस आएंगे वो मिलते जुलते आएंगे, एग्जैक्टली मैं जो ये लाइन बोल रही हूँ अनवेलकमिंग एटीट्यूड नहीं आएगा, बट आपको अगर पता है कि पिक्चर क्या डिपेक्ट करता है तो आप 100% आंसर अपना ठीक करके आओगे। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे भी नेपोलियन को दर्शाया हुआ है, यहाँ पे नेपोलियन को पोस्टमैन की तरह दर्शाया हुआ है। पोस्टमैन के पास क्या होती हैं, बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं, राइट? तो नेपोलियन के पास चिट्ठियों की बजाय क्या था, नेपोलियन के पास बहुत सारी टेरिटरीज थी। फ्रांस पे कब्जा किया हुआ है, बाकी अलग अलग छोटे छोटे इलाकों पे कब्जा किया हुआ है यूरोप के, राइट? और नेपोलियन के दुश्मन भी बहुत थे, तो नेपोलियन के साथ कई बार कंजर्वेटिव देशों ने लड़ाई की, सिर्फ बैटल ऑफ वाटरलू नहीं की, बहुत सारी लड़ाइयां की। और जब भी कोई लड़ाई होती थी नेपोलियन से कोई ना कोई टेरिटरी छीन ली जाती थी। तो इस पेंटिंग में यह दिखाया गया है कि जब बैटल ऑफ लीपजिग हुई, बैटल ऑफ लीपजिग में ऐसा नहीं है कि नेपोलियन को पूरी तरीके से हरा दिया, वो तो बैटल ऑफ वाटरलू में हराया, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत सारी हुई थी। तो बैटल ऑफ लीपजिग के बाद जो फ्रांस ने या नेपोलियन ने अपनी जो टेरिटरी लूज की, वैसी ही कई सारी और चिट्ठियां, यानी कि कई सारी और टेरिटरीज वो पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है इस इमेज में। यानी कि इसमें दिखाया गया है कि जैसे एक पोस्टमास्टर का अगर बैग फट जाए तो सारी चिट्ठियां गिरने लगेगी, वैसे ही नेपोलियन की अब हार के दिन आ गए हैं और नेपोलियन के हाथों में से सारी टेरिटरीज निकलती जा रही हैं। ही इज लूजिंग द टेरिटरीज ही हैड एक्वायर्ड। नेक्स्ट इमेज, ये इमेज है कंजर्वेटिव वाले टॉपिक में दी हुई है, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में। इसमें आप देखोगे एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस टेबल है, कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास बैठे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सबके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये दर्शाता है, यहाँ पे बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लर्नेड सोसाइटी। ये दर्शाता है कि कंजर्वेटिज्म में या कंजर्वेटिव सोसाइटी में does not allow opinions or criticism। मतलब कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में, जो कि यूरोप ट्रीटी ऑफ वेना के बाद कंजर्वेटिव बन गया था, वहां पे ना तो ओपिनियन की कोई जगह है ना तो क्रिटिसिज्म की कोई जगह है, क्योंकि लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोलोगे तो पिटाई लगेगी, बोलोगे तो आपको यू नो कैद में कर दिया जाएगा। तो दिस इज वॉट इट सजेस्ट, दैट कंजर्वेटिज्म में कोई रूम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता क्रिटिसिज्म या डिसेंट या फिर ओपिनियंस का। नाउ नेक्स्ट इमेज इज दिस, एक गुजिप मजीनी वाली भी इमेज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजिप मजीनी उसमें यू नो यंग सोसाइटी को फाउंड करते हुए दिखाए हैं, वो आप देख लेना बुक में। ये वाली इमेज जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबको पता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में हुई थी और 1832 में खत्म हुई थी विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब ग्रीस को एक नेशन स्टेट की तरह उन्होंने अपना लिया था। अब इससे पहले क्या था, देखो 15वीं शताब्दी से ग्रीस पे ऑटोमन एम्पायर कब्जा किए बैठा था। ऑटोमन एम्पायर को प्रेजेंट डे टर्की बोला जाता है, आज ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करता, टर्की एग्जिस्ट करता है। तो कई बार ग्रीस ने लड़ाइयां की और पूरे यूरोप ने ग्रीस को सपोर्ट भी किया, फ्रांस ने भी सपोर्ट किया, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ग्रीस की सब लोग बहुत इज्जत करते थे, तो बहुत बार सपोर्ट किया गया, लेकिन ग्रीस की लड़ाई लंबी चली। तो ऐसी ही एक लड़ाई थी ये वाली, बैटल ऑफ चियोस,
यहाँ पे बैटल ऑफ चियोस दिखाया गया है या आइलैंड ऑफ चियोस दिखाया गया है, जहां पे 20,000 ग्रीक लोगों को मार दिया गया था, और मारा किसने था? टर्किश लोगों ने, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने। सो ये भी आ जाता है कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है, तो मैसेकियर, यानी कि एक बड़े स्केल पे जब खूब सारे लोगों को मारा जाता है तो उसे मैसेकियर बोलते हैं। मैसेकियर और हुआ कहाँ था? चियोस आइलैंड में हुआ था, तो चियोस भी आपको लिखना है, ठीक है। पेंटिंग एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया है, डेला क्रॉइक जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, लेकिन पूरा यूरोप ही ग्रीस से इतना प्यार करता था कि ग्रीस के सिंपथी में उन्होंने पेंटिंग बना दी थी। नेक्स्ट, ये वाली पेंटिंग जो है पेजेंट्स की अपराइजिंग है। देखो 1848 में तीन चीजें हुई थी, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल हुआ था, फ्रेडरिक सोरियो ने उटोपियन विजन बनाया था, और पेरिस में एक रिवोल्ट हुआ था। अब पेरिस में जो 1848 का रिवोल्ट हुआ था, उसके दो मेजर कारण थे, एक था हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, राइट। यूरोप में क्या हार्डशिप फैली हुई थी 1830s में ना, उसी के ऊपर है 1830s और 40s में। अब मैं फुल स्क्रीन जा रही हूँ क्योंकि एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ इस चैप्टर की, जो है ये वाली। आपको 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल पता होगा। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स में लिबरल लोग जो थे, जर्मन स्पीकिंग लिबरल लोग, वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग प्रशिया के पास गए थे ये बोलने, प्रशिया के राजा के पास, कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आओ, जैसा फ्रांस में है वैसा हमारे यहां भी होना चाहिए। और पहली बार यहां पे जर्मेनिया टांगी गई थी, पहली बार जर्मेनिया, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कहीं पे जर्मेनिया का कॉन्सेप्ट आया था। और ये पेंटिंग ये भी दर्शाती है कि ऊपर बैल्कनी में विमेन को बिठाया हुआ है, क्योंकि विमेन को मीटिंग में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था, इलेक्टर भी नहीं बनाया जाता था, और नीचे जो है सारे लिबरल मेन बैठे हुए हैं। और ये हुआ कहाँ था, ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? सेंट पॉल चर्च के अंदर उन्होंने फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट लगाया था, और फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट में जो जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, वो प्रशिया के राजा को प्रेजेंट करना चाह रहे थे। प्रशिया के राजा ने तो उनकी एक भी नहीं सुनी, बल्कि उन्हें मार के भगा दिया आर्मी की सहायता से, राइट। और फिर आपको पता है, ये वाली पेंटिंग पहले देख लेते हैं, प्रशिया का राजा कौन था? देखो फेडरिक विलियम तो था ही, फेडरिक विलियम का एक छोटा भाई था विलियम वन, जो बाद में राजा बन गया था। विलियम वन था राजा प्रशिया का, और ऑटो वॉन बिस्मार्क था वहां का चीफ मिनिस्टर। अब ये लोग कौन थे? ये लोग कंजर्वेटिव लोग थे। तो क्या कंजर्वेटिव लोग रेवोल्यूशनरीज को या लिबरल लोगों को पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब लिबरल लोग कह रहे थे कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, राजा के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए, तो कंजर्वेटिव लोगों को ये बात पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस फोटो में दिखाया हुआ है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क कैसे चाबुक चला रहा है, और अगर आप पीछे देखोगे तो टेबल के नीचे लोग छुप रहे हैं, यानी कि ऑटो वॉन बिस्मार्क चाबुक चला रहा है किसके ऊपर? लिबरल लोगों के ऊपर, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। जर्मन पार्लियामेंट के अंदर तो लिबरल लोग बैठे थे ना, फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट में, तो ये चाबुक चलाता हुआ दिखाया गया है। दिस मीन्स दैट कंजर्वेटिव पीपल यूज टू अपोज लिबरल पीपल। नाउ ये वाली जो पेंटिंग है ये किसकी है? देखो ये सब कुछ हो गया, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल हो गया, लिबरल लोग हार गए, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसके हाथ में आ गया? कंजर्वेटिव लोगों के हाथ में आ गया। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 7 ईयर वॉर लड़ी फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ, और फिर बाद में अपने राजा को बोला कि भाई जर्मनी यूनिफाई हो गया, आप बैठो गद्दी पे। तो इस पेंटिंग में दिखाया गया है प्रोक्लेमेशन, यानी कि राजा की एक तरीके से राज्य अभिषेक, प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंग विलियम वन या कैजार विलियम वन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कहां पे हुआ था ये? हॉल ऑफ मिरर्स। कहां हुआ था? हॉल ऑफ मिरर। और तारीख क्या थी? जनवरी में हुआ था आई गेस, जनवरी 1871, राइट। नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज है यहां पे जर्मेनिया की। जर्मेनिया से रिलेटेड सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मेनिया को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया में भारत माता की अलग अलग इमेजेस हैं, वहीं से ही जर्मेनिया की अलग अलग इमेजेस हैं। ये तो वो वाली इमेज है जो सबसे पहले 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो हुआ था फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट में, वहां पर टांगी गई थी। तो इसमें जर्मेनिया बड़ी स्ट्रांग दिखाई गई है। आप इसमें देख रहे हो कि जर्मेनिया को बहुत सजा धजा दिखाया गया है, ये जितनी सजी धजी है उस सबके कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ प्रतीक है। ये आपकी बुक में 1 मार्क के क्वेश्चन में वैसे भी आ सकता है बिना इमेज के। जैसे नीचे ये जो चेन टूटी हुई है, इसका मतलब है कि जर्मेनिया फ्री है, जर्मेनिया किसी की गुलाम नहीं है। यहाँ पे जो ईगल प्लेट बनी हुई है ब्रेस्ट पे, उसका मतलब है कि जर्मेनिया के अंदर बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है। जर्मेनिया के सर पे जो ओक लीव्स का ये क्राउन है, उसका मतलब है कि जर्मेनिया बहुत हीरोइक है, उसमें हीरोइज्म है। जर्मेनिया के हाथ में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स वाला झंडा है,
इसके हाथ में स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड का मतलब है कि रेडी टू फाइट है, मतलब आप लड़ोगे तो लड़ लेगी। उसके आसपास ओक लीव्स बंधी हुई है, ऑलिव ब्रांच बंधी हुई है, इसका मतलब है कि जर्मेनिया पीस कर सकती है, लड़ाई तो कर सकती है, लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो वो दोस्ती का हाथ भी बढ़ा लेगी। पीछे से राइजिंग सन आ रहा है, राइजिंग सन का मतलब है बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। तो ये सब जर्मेनिया के सिंबल्स का प्रतीक है। यहां पे जो जर्मेनिया आपको फॉलन जर्मेनिया दिखाई हुई है, क्योंकि ये 1850 की पेंटिंग है। देखो 1848 में जब रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स हुआ, तो लिबरल्स को ये आशा थी कि विलियम वन या जो भी कैजार है प्रशिया का, वो उनकी बातें मान लेगा, लेकिन उन्होंने तो बातें मानी नहीं, और इसीलिए यहाँ पे पेंटिंग में जर्मेनिया को हारा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि जर्मेनिया लिबरल्स का बनाया हुआ जर्मनी की एलेगोरी थी, और जब लिबरल हार गए तो उन्होंने फिर जर्मेनिया को हारा हुआ दिखाया। और यहाँ पे राजा का मुकुट और राजा की छड़ी भी दिखाई हुई है, इसका प्रतीक ये है दैट जर्मेनिया गॉट डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ द कंजर्वेटिव मोनार्की। डिफीट ऑफ जर्मेनिया इन फ्रंट ऑफ कंजर्वेटिव मोनार्की। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे जर्मेनिया जो है बड़ी ही फियर्स तरीके से दिखाई हुई है। जर्मेनिया यहाँ पे जर्मनी को प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई है, ये 1860 की इमेज है। यहाँ पे जर्मेनिया जो वहां की नदी है, जर्मन नदी है, जर्मन राइन है, उसके सामने तलवार लेके, ब्रेस्टप्लेट लेके एकदम लड़ाई के लिए रेडी दिखाई हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मन स्वॉर्ड्स प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जर्मनी खुद को प्रोटेक्ट जरूर करेगा अगर आप जर्मनी पे अटैक करने आओगे। तो जर्मेनिया को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन अगेन आई एम गोना गो फुल स्क्रीन एंड शो यू इंपेरियलिज्म। ये अगर एक वर्ड में इस पूरी इमेज को डिफाइन करना हो तो वो वर्ड होगा इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का क्या मतलब होता है? जब एक ताकतवर देश एक किसी वीक देश के ऊपर कब्जा जमा के बैठता है तो उसे इंपेरियलिस्ट बोलते हैं, इंपेरियलिस्ट कंट्री बोलते हैं। अब यहां पे इंपेरियलिज्म में किसे दिखाया है? ब्रिटेन को दिखाया है। आपको पता है एक जमाना था जब ब्रिटेन का ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा था, अफ्रीका के कंट्रीज पे था, इंडिया पे था, ऑस्ट्रेलिया पे था, अमेरिका पे था, हर जगह था। तो यहां पे ब्रिटेन की सुप्रीमेसी दिखाई है, इंपीरियल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटेन, कि कैसे ब्रिटेन जो है पूरी दुनिया पे कब्जा जमा के बैठा था। डोमिनेशन दिखाया है ब्रिटेन का दुनिया में, है ना, कैसे वो पूरी ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है। यहां पे दिखाया है कि ब्रिटेन जो है ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है, और आसपास उसकी जो कॉलोनीज हैं वो उसके आसपास खड़ी हुई हैं। तो कॉलोनीज के लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं, अफ्रीका के लोग हैं यहाँ पे, ये इंडिया के लोग हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन का वर्ल्ड डोमिनेशन दिखाया हुआ है। अब आगे जाने से पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइव चैट मुझे आंसर बताएगी इसका। ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 या 2019 में आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट है तो ये PYQ। बताओ आंसर इसका। बच्चा 2-3 नंबर के आ सकते हैं, आएंगे तो मैक्सिमम 2-3 नंबर का आएगा। राइट आंसर हियर इज जर्मेनिया। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ द जर्मेनिया। यहाँ पे जो जर्मेनिया की इमेज दी हुई है, इसमें जर्मेनिया किस तरीके की दिख रही है? हीरोइक दिख रही है, या फोक और कल्चरल दिख रही है, या दिख रही है कि वो बहुत ही पोलाइट है, या फिर दिख रही है कि वो रिवेंज के लिए तैयार है? तो द राइट आंसर इज कि मैंने बताया था ना कि ब्रेस्ट प्लेट ओक लीव्स का मतलब है हीरोइक, तो यहाँ पे हीरोइक वर्ड आपको पता होना चाहिए था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे किसको दिखाया हुआ है पोस्ट मास्टर की तरह? मर्सियर को दिखाया है, ड्यूक मेटरनिच को दिखाया है, मजीनी को दिखाया है, कि नेपोलियन को दिखाया है? एंड द राइट आंसर सृष्टि ने दे दिया है चैट में, द राइट आंसर इज नेपोलियन को दिखाया है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब नेशनलिज्म इन इंडिया करते हैं। नेशनलिज्म इंडिया की इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो पहले जो एक दो इमेजेस दी हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैं आपको सारी करा रही हूँ, जिन पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे जनरल डायर का खौफ दिखाया हुआ है, जनरल डायर का ऑर्डर आ गया था, मार्शल लॉ लग गया था नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, और वहां पे ऐसा था कि जहां पे भी रेवोल्यूशनरीज दिखते थे, इंडियन नेशनलिस्ट लोग दिखते थे, वहां पे उन्हें क्रॉल करके चलवाया जाता था। जलियांवाला बाग के बाद की बातें हैं ये, तो ये वो दर्शा रहा है, ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अराउंड की बातें। यहां पे
क्या दिखाया हुआ है, चरखा दिख रहा है आपको, चरखा दिख रहा है और हिंदू मुस्लिम हर तरीके के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो भारत दिख रहा है, भारत में चरखा दिख रहा है। चरखे का क्या प्रतीक था कि अपना कपड़ा बना बना यूज करो, बाहर का कपड़ा मत यूज करो। तो यहां पे दर्शाया हुआ है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, और ये फोटो है जुलाई 1922 की। चलो जुलाई 1922 नहीं भी याद करो तो भी पता होना चाहिए कि ये फोटो सिग्निफाई कर रही है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ। नाउ ये एक इंसिडेंट की फोटो है, आपको पता है नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ 1921 में, एक साल के अंदर अंदर वो वायलेंट हो गया, वायलेंट इतना ज्यादा हुआ कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कौन सा इंसिडेंट है, चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। चौरी चौरा कहां पे है, गोरखपुर, 1922 में हुआ, 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से फुल स्क्रीन जा रही हूं। गांधी जी से रिलेटेड दो इमेजेस हैं, कांग्रेस के लोगों से रिलेटेड दो इमेजेस हैं। पहली यहां पे मीटिंग दिखाई हुई है कांग्रेस के लीडर्स की, अलाहाबाद में, हर जगह मीटिंग होती थी, सारी मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये फोटो अलाहाबाद की है 1931 की। दूसरी फोटो जो है उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग दिखाए हुए हैं, एक है गांधी जी, एक है नेहरू जी, यहां पे लिख देती हूँ, गांधी जी को तो सब जानते होंगे, ये नेहरू जी हैं और ये हैं आपके मौलाना आजाद जी। इन सारे लोगों का आप नाम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बोर्ड कभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देगा। इस तरीके की इमेज में क्वेश्चन फिर भी आ सकता है कि गांधी जी और नेहरू जी के साथ तीसरे इंसान कौन है फोटो में, तो तीन लोग हैं तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या डिपिक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे गांधी जी चल रहे हैं खूब सारे लोगों के साथ। गांधी जी कहाँ चले थे, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, कहाँ चल के गए थे, तो वो गए थे दांडी चल के साबरमती आश्रम से, तो दिस इज सॉल्ट मार्च, और यू कैन से दांडी मार्च, 224 माइल चल के गए थे, 78 ट्रस्टेड, कितने लोगों के साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ, फिर बाकी लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था, बट गांधी जी प्लस 78 वॉलंटियर्स। नेक्स्ट, यहां पे दिखाया गया है कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक किया डांडी में जाके, वैसे ही सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया और पूरे देश ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्ट किया। फिर क्या था, फिर मिल गया मौका, मिल गया कॉलोनियल गवर्नमेंट को लोगों को मारपीट करने का, तो ये प्रोटेस्ट दिखाया हुआ है, पुलिस का, पुलिस रिप्रेशन दिखाया हुआ है और सत्याग्रही, जितने भी गांधी जी के सपोर्टर थे या सत्याग्रही थे, सत्याग्रह करने वाले लोगों को सत्याग्रही बोलते थे, उनका रिप्रेशन दिखाया है 1930 में, जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चल रहा था। नाउ इसके बाद गांधी जी पहुंचे आपका मीटिंग करने लॉर्ड इरविन के साथ, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने। तब तक सीडीएम फिर से आए, वो वहां से डिसअपॉइंटेड आए, डिसअपॉइंटेड आए, उन्होंने सीडीएम को फिर से लॉन्च किया। सीडीएम में कुछ कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया, कुछ कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस फोटो में हमें क्या दिख रहा है कि बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें कहीं ना कहीं चल के जा रही हैं। सो दिस पिक्चर सजेस्ट विमेन्स पार्टिसिपेशन, सीडीएम बोलो या सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन बोलो या फिर बोल दो पूरी नेशनल स्ट्रगल में, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेशनलिस्ट नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट है यहां पे कौन कौन दिखाया हुआ है, ये फोटो अगर आएगी तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन दिखाए हुए हैं इस इमेज में, तो आपको पता होना चाहिए जो इंसान यहां पे दिखाए हुए हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक जी। 20th सेंचुरी की फोटो है, अर्ली 20th सेंचुरी की, और अगर आप देखोगे तो इनकी इमेज के आसपास जो बॉर्डर हुआ बना हुआ है वहां पे हर तरीके के फेथ दिखाए हुए हैं, वहां पे मंदिर भी दिखाया हुआ है, वहां पे मस्जिद भी दिखाया हुआ है, मस्जिद के लिए वहां पे ताजमहल दिखाया हुआ है, वहां पे चर्च भी दिखाया हुआ है और वहां पे गुरुद्वारा भी दिखाया हुआ है। तो मंदिर मस्जिद हर फेथ को रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि उस जमाने में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए इस तरीके की इमेजेस बनती थी। तो यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि हमारा देश सारे धर्मों का प्रतीक है, कहीं पे भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं दिखाए हुए हैं, क्योंकि हम नेशनलिस्ट मूवमेंट तो थी ही उनके अगेंस्ट, है ना। तो यहाँ पे भारत माता भी दिखाई हुई है, लायन भी दिखाया है, फूल पत्ते पहाड़ सब दिखाया है, एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, यहाँ ये भारत माता की इमेज है, ये इमेज किसने बनाई थी, ये पेपर में आने के 100% चांसेस है, ये इमेज बनाई थी अवेंद्रनाथ टेगोर जी ने, स्पेलिंग गलत मत करके आना आधा नंबर कट जाएगा, अवेंद्रनाथ टेगोर जी ने,
कब बनाई थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 1905 में बनाई थी, बंगाल पार्टीशन के आसपास। ठीक है, तो ये भी मतलब पढ़ ही रहे हो तो पढ़ लो, बट ऐसे ईयर नहीं पूछेगा सीबीएसई। बट ये भारत माता की इमेज है, और भारत माता की इमेज जर्मेनिया की इमेज की तरह बदलती रहती थी। जिस पेंटर को जैसा मन करता था वो भारत माता को उस तरीके से डिपिक्ट करते थे। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता को काफी पॉइज, काफी काम, एक स्पिरिचुअल एंगल के साथ दर्शाया है। और जो एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है भारत माता के लिए वो है एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब होता है वेरी काम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। देखोगे उनके हाथ में माला जपने वाली माला है, हाथों में वेद पड़े हुए हैं, फूल भी हैं, उन्होंने काफी स्पिरिचुअल कपड़े पहने हुए हैं, पीछे से उनके जो है राइजिंग सन दिखाया गया है, राइट? तो अभिंद्रनाथ टैगोर राजा रवि वर्मा के बाद में आए थे, मतलब राजा रवि वर्मा का एरा अलग था, अभिंद्रनाथ टैगोर का अलग था, बट जो स्टाइल था उनका पेंटिंग का वो थोड़ा राजा रवि वर्मा से थोड़ा सा मिलता जुलता था। नेक्स्ट इज भारत माता की एक और इमेज। यहाँ पे भारत माता की जो इमेज है अभिंद्रनाथ टैगोर वाली इमेज से बिल्कुल कंट्रास्टिंग दिखाई है। पीछे वाली इमेज में भारत माता इतनी स्पिरिचुअल एंगल से दिखाई हुई है, यहाँ पे भारत माता जो है काफी फियर्स दिखाई है। आसपास उनके लायन दिखाया हुआ है, लायन आपको पता ही है कि एक ब्रेवरी का सिंबल होता है। फिर यहाँ पे एलिफेंट भी दिखाया हुआ है। ये दोनों ही लायन और एलिफेंट दोनों ही किस चीज के सिंबल है? पावर और अथॉरिटी के सिंबल है। तो यहाँ पे भारत माता पावर और अथॉरिटी के साथ दिखाई हुई है। पीछे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी दिखाई हुई है, पीछे भी एक हाथी नहा रहा है, पीछे पूरी इंडिया की सुंदर सीनरी दिखाई हुई है। भारत माता के हाथ में तिरंगा दिखाया है ना? तो यहाँ पे भारत माता एक पावर और अथॉरिटी के सिंबल की तरह दिखाई है, यहाँ पे भारत माता एस्केटिक दिखाई है, ये पता होना चाहिए। चलो इसी पे क्वेश्चन करते हैं कि जो फॉलोइंग इमेज है भारत माता की, उसमें कौन सा एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव दे सकते हो आप भारत माता को? एस्केटिक, डिवाइन, पोएटिक या फियर्स? ऑप्शन ए या बी में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन तुषार ने राइट आंसर बताया लाइव चैट में। राइट आंसर इज एस्केटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंसिडेंट इसमें दर्शाया हुआ है और इस इंसिडेंट के बाद कौन से मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था कि नॉन कॉपरेशन को, कि क्विट इंडिया को, कि खिलाफत मूवमेंट को? थिंक अबाउट इट। अनन्या ने आंसर बता दिया है, द राइट आंसर इज नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस। एक सेकेंड, मुझे लाइव चैट नहीं दिख रही है, रुक जाओ खोलने दो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वैसे तो इमेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहली दो इमेजेस हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। 90 out of 100% चांसेस है इसके आने के, मतलब 90% चांस है अच्छे खासे। ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी और एक ये वाली, तो दोनों में ही जो है मॉडर्नाइजेशन दिखाया हुआ है। पहली जो इमेज है वो ईटी पॉल ने पब्लिश की थी न्यूयॉर्क इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी 1900 में। ईटी पॉल के इस इमेज में अगर आप देखोगे तो एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस दिखाई हुई है, एंजल ऑफ प्रोग्रेस। एंजल ऑफ प्रोग्रेस के हाथ में लिखा हुआ है कि नया सेंचुरी आ रहा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब कि एक नया दौर आ रहा है, और नए दौर की तरह हम मॉडर्निटी में घुस रहे हैं। और पीछे दो है उसके सिंबल ऑफ मॉडर्निटी है, सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या थी उस जमाने में? उस जमाने में मॉडर्निटी थी गाड़ी, फोटोग्राफी करने के लिए एक कैमरा, या प्रिंटिंग प्रेस, या स्टीम इंजन, या रेलवे, राइट? ये सारे के सारे यहाँ पे पीछे दिखाए हुए हैं। और ये जो है एंजल ऑफ प्रोग्रेस एक पहिए पे घूमती हुई दिखाई हुई है। ये पहिए समय का पहिया है, इट द व्हील रिप्रेजेंट्स टाइम, कि मतलब समय बदल रहा है, और इस पहिए के पर भी लगे हुए हैं कि समय बदल रहा है, और जैसे ही नई सेंचुरी आएगी वैसे ही नया जमाना आएगा, नई मॉडर्निटी आएगी। तो ये सब कुछ दिखाया हुआ है उसमें। सेकेंड इमेज है आपकी टू मजिशियंस वाली। टू मजिशियंस वाली इमेज में कंपेयर किया हुआ है, कंपेयर किसे किया है? जैसे पुराने जमाने में ओरिएंट कल्चर में, यानी कि ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अरेबियन कंट्रीज वगैरह में ओरिएंट कल्चर में अलादीन की कहानियां बड़ी प्रचलित हुआ करती थी। और अलादीन की कहानियां आपने भी सुनी होगी कि अलादीन के पास एक चिराग हुआ करता था, चिराग को वो रब करता था तो जीनी आता था, फिर जीनी से वो जो भी इच्छा मांगता था जीनी पूरी कर देता था, राइट? तो जीनी के पास पावर थी कुछ भी बनाने की, कुछ भी करने की।
अब उसी अलादीन से कंपेयर किया हुआ है मॉडर्न डे मैकेनिक को, कि मॉडर्न डे मैकेनिक के पास भी वही पावर होती है, वो चाहे तो बिल्डिंग बना दे, चाहे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना दे, चाहे तो आपका ब्रिज बना दे या शिप बना दे, कुछ भी बना दे। तो देयर इज अ कंपैरिजन, एंड ओरिएंट कल्चर के ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अलादीन को वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले एरा के मॉडर्न मैकेनिक के साथ कंपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होनी चाहिए। पहली इमेज में जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाया हुआ है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक छत के नीचे सारा काम नहीं होता था बल्कि अलग अलग जगह काम होता था। तो यहां पे आप देख रहे हो किसी के घर में स्पिनिंग हो रही है, स्पिनिंग इन हाउस। अब घर में स्पिनिंग तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो कॉटन मिल्स आ गई थी और कॉटन मिल्स में एक छत के नीचे ही स्पिनिंग, कार्डिंग सब कुछ एक साथ होता था। ठीक है, तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। सेकंड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखा रहा है, ये मैनचेस्टर की फोटो है। इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज लग गई थी देखते ही देखते कि 1857 में जब ये फोटो खींची गई थी तो आप देख रहे हो कि लंदन में सिर्फ चिमनियां ही चिमनियां दिख रही हैं, राइट। देन एक ये इमेज, यहाँ पे कॉटन मिल दर्शाई गई है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कॉटन मिल आने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में बूम आ गया था, क्योंकि पहले जो है गांव और शहरों में मिला जुला के काम होता था, तो काम का प्रोसेस जो है एफिशिएंट नहीं था। लेकिन फिर कॉटन मिल आ गई तो एक ही छत के नीचे काम होने लगा, वर्कर्स पे एफिशिएंसी मेंटेन करना भी इजी हो गया था, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये जो दोनों फोटो हैं, ये दोनों फोटो आपकी लेट 19th सेंचुरी की है। कब? लेट 19th सेंचुरी। दोनों ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का हाल बयां करती हैं। हमें लगता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया होगा तो यूरोप में सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद भी लोग जॉबलेस थे। तो ये दोनों फोटो दर्शाती हैं जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। ठीक है, आप देखोगे दोनों ही फोटो में गरीब लोग दिख रहे हैं। और जो सेकंड फोटो है ना, उसमें नाइट शेल्टर हुआ करते थे। आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ते हो कि यूरोप में थोड़ी सी फिलान्थ्रोपी शुरू हो गई थी। अमीर लोगों ने जो है लोगों के लिए नाइट शेल्टर बनाना शुरू कर दिए थे ताकि गरीब लोग जो है रात को सड़कों पर ना सोए, जाके नाइट शेल्टर में सोए। आज भी हमारे यहाँ इंडिया में भी आप देखते हो रैन बसेरा के नाम से नाइट शेल्टर्स चलते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाइट शेल्टर में इतने ज्यादा गरीब लोग थे विक्टोरियन यूरोप में कि इन नाइट शेल्टर्स में भी टिकट लेनी पड़ती थी और लाइन में, वेटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो सेकेंड इमेज में आपको गरीब लोग वेटिंग लाइन में खड़े हुए दिखाए हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और हमें अंदर सोने की अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे जो इमेज दिखाई हुई है ये है स्पिनिंग जेनी की। और अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो नाम पूछा जाएगा मशीन का, या पूछा जाएगा कि स्पिनिंग जेनी किसने बनाई थी। तो बनाने वाले का नाम था जेम्स हार्ग्रीव्स। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर में भी आ सकता है कि हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट, यहां पे दिखाए हुए हैं अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। कौन दिखाए हैं? इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स दिखाए हुए हैं। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग देखो, मेरे से तो याद नहीं होती। एंटरप्रेन्योर, आई डोंट नो। ठीक है, पहली वाली फोटो में जो है जमशेद जी दिखाए हुए हैं, जमशेद जी, जीजा भॉय। और दूसरी वाली में द्वारकानाथ टैगोर दिखाए हुए हैं। पूछा जा सकता है द्वारकानाथ टैगोर की फोटो आने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि पहले भी आ चुकी है। जमशेद जी, जीजा भॉय भी आप पढ़ लेना, आधा नाम भी लिखा होगे तो नंबर मिल जाएंगे, इट इज ओके। द्वारकानाथ टैगोर का तो पूरा नाम ही लिखाना क्योंकि काफी फेमस हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट, यहां पे जो इमेज है वो इमेज में दिखाया हुआ है एक हेड जॉबर। आपको पता है कि पुराने जो इंडिया की इंडस्ट्रीज होती थी वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए एक जॉबर असाइन कर लिया जाता था। जॉबर का काम होता था वर्कर्स को रिक्रूटमेंट करना और उसके हाथ में काफी अथॉरिटी होती थी। फोटो में भी देखोगे तो वो ऐसे छाता वाता लेके खड़े हैं और काफी अथॉरिटी से खड़े हुए हैं। तो दिस इज हेड जॉबर। नेक्स्ट, आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में मार्केटिंग वाली बहुत सारी फोटो है। पहली वाली फोटो है, उसमें दर्शाया गया है कि अगर मैनचेस्टर का सामान भी आता था, मतलब बाहर का सामान भी इंडिया में बेचा जाता था, तो उसमें भगवानों की इमेज यूज की जाती थी ताकि लोगों को लगे कि क्रेडिबल चीज है, मतलब कि इस पे विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पे भी भगवान यूज किए हुए हैं, यहाँ पे राजा रंजीत, महाराजा रंजीत सिंह यूज किए हुए हैं। तो महाराजा की इमेज, आजकल क्या है सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये एक्ट्रेस ये साबुन लगाती है तो ये साबुन तो अच्छा ही होगा। पहले जो है वही काम जो है राजा रानियों से करवाया जाता था, राजा रानियों की फोटो डिपिक्ट करती थी, क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे भारत माता भी दर्शाई हुई है, भारत माता भी, जो भी चीजें चलती थी, जो भी सेंटिमेंट्स लोगों के पास चलते थे, जैसे रिलीजन चलता था या नेशनलिज्म चलता था,
था उस चीज को यहाँ पे यूज किया जाता था। ये साबुन की टिकिया पे देखो भगवान जी बनाए हुए हैं, सनलाइट सोप कैलेंडर है 1934 का, इस तरीके का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। चलो आगे जाने से पहले, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पे जाने से पहले एक कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द गिवन पिक्चर हु इज अलादीन कंपेयर टू, अलादीन को इस पिक्चर में किससे कंपेयर किया है? मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट से, मॉडर्न मैकेनिक से, नोबिलिटी ऑफ यूरोप से, कि नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज मॉडर्न मैकेनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, इस फोटो में औरत के पीछे जो भी चिन्ह बने हुए हैं, जो भी चीजें बनी हुई हैं इस एंजल के पीछे, वो क्या सिग्निफाई करती हैं? साइंस ऑफ प्रोग्रेस, साइंस ऑफ रेवोल्यूशन, साइंस ऑफ मोनार्की या साइंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? हैप्पी लोरी टू यू टू। आंसर तो बताओ। साइंस ऑफ प्रोग्रेस, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की हम करते हैं इमेजेस। पहली इमेज में सिल्क रूट दर्शाया हुआ है, इस इमेज के चांसेस आने के जीरो हैं, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए। दूसरी इमेज में मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस दर्शाए हुए, इसके भी आने के चांसेस जीरो हैं। थर्ड इमेज जो है इसके आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, इसमें दर्शाया हुआ है आयरिश फमीन। आयरिश फमीन, आपको पता है पटेटो की फसल के पीछे लड़ाई हो गई थी, आयरलैंड में काफी लोग मर गए थे, पटेटो ब्लाइट की जब नाम की बीमारी आके आयरलैंड की पटेटो की फसल को खराब कर गई थी, तो यहाँ पे आयरिश फमीन दर्शाया हुआ है। आप देख ही रहे हो कि बच्चे जो हैं ग्राउंड में से सही आलू निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी हालत काफी अच्छी लग नहीं रही है। देन यहाँ पे दिखाया हुआ है स्लेवरी, जहां एक साइड दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, कई देशों को फायदा हो रहा था, वहीं दूसरी साइड स्लेवरी भी चलती थी और स्लेव्स को अफ्रीका में से खरीद के लाया जाता था और फिर उनकी बोली लगती थी और लोग स्लेव्स को खरीदते थे अपने घर का काम कराने के लिए। न्यू ऑर्लीन्स दर्शाया हुआ है यहाँ पे स्लेवरी के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे दर्शाया हुआ है इस इमेज में रेफ्रिजरेटेड शिप्स, टेक्नोलॉजी दर्शाई हुई है ग्लोबलाइजेशन में, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, टेक्नोलॉजी में क्या किया था कि शिप्स के अंदर फ्रिज बना दिए थे और फिर जो है लाइव एनिमल्स को कैरी नहीं करना पड़ता था अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप में सीधे मीट पहुंचाया जाता था, तो वो मीट पहुंचाने के लिए फ्रिजेस बना दिए थे शिप्स के अंदर। नेक्स्ट, इस इमेज में कोलोनाइजेशन दिखाया है अफ्रीका का, हेनरी मॉर्टन जैसे कई सारे उनको भेजा जाता था, यूरोप क्या करता था ना कि अफ्रीका को कोलोनाइज करने के लिए कई सारे जर्नलिस्ट को भेजता था जो वहां से खबर जो है अमेरिका में या यूरोप में पहुंचाया करते थे, तो हेनरी मॉर्टन नाम के एक ऐसे ही जर्नलिस्ट को भेजा गया था अफ्रीका में, ये वहां की जाके रिपोर्टिंग करते थे और ऑब्वियसली ये वहां पे डरा धमका के लोगों को रखते थे, आर्म्स यूज किया करते थे, गोला बारूद बंदूकें यूज किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे दर्शाया हुआ है कोलोनिज्म, माइनिंग इन अफ्रीका। माइनिंग इन अफ्रीका, इन कोलोनियल अफ्रीका, यहाँ पे यूरोप के लोग दर्शाए हुए हैं और ये यूरोप के लोग जो हैं अफ्रीका को कोलोनाइज करने आए हुए हैं। यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है दोनों फोटो में, क्या सिग्निफाई करता है? इंडेंचर्ड लेबर्स, इंडेंचर्ड लेबर, प्लांटेशन, ट्रिनिडाड, कैरिबियन आइलैंड जैसी जगहों पे इंडेंचर्ड लेबर को बना के भेजा जाता था इंडिया और चाइना से, वही दर्शाया हुआ है इन दोनों ही इमेजेस में। यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का खूब फायदा हो गया, अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने टी मॉडल लगा दिया, असेंबली मॉडल, उसी असेंबली मॉडल को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, असेंबली मॉडल बाय हेनरी फोर्ड। सिविक्स के भी क्वेश्चन बच्चा आ रहे हैं, चिंता मत करो, पूरी पूरी मैराथन भी आपके इस चैनल पे आ रहे हैं, तो इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना। यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आ गया था तो लोग कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त थे। 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चालू हुआ था लेकिन 1938 तक भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो यहाँ लोग कतार में लगे हुए हैं, यूएसए की फोटो है एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। नेक्स्ट इज, अब इस चैप्टर से इतनी इमेजेस है, इस चैप्टर से इमेजेस आने के चांसेस बहुत कम है, वही वाली स्टार्टिंग वाली आएंगी अगर आएंगी तो।
वट डज द गिवन पिक्चर सिग्निफाई, गिवन पिक्चर क्या दर्शा रही है, ग्लोबलाइजेशन, आयरिश फेमिन, माइग्रेशन इन यूरोप या माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप, माइग्रेशन इन यूरोप या माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप। हिमांशु ने बता दिया राइट आंसर, द राइट आंसर इज आयरिश फेमिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इमेज इज, यहाँ पे जो मॉडल दिखाया हुआ है वो किसने बनाया था, अब्राहम लिंकन ने, हेनरी फोर्ड ने, जॉर्ज बुश ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने। तो यहाँ पे टी लाइन फोर्ड असेंबली मॉडल दिखाया है और वो बनाया था हेनरी फोर्ड ने, अगेन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड से आई थी वो इमेज जो आपकी इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में आई थी। तो पहली इमेज जो आपकी इंपॉर्टेंट है इस बुक में वो है इसकी, ये डायमंड सूत्रा नाम की बुक है, जो पहली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनी हुई किताब थी ना आपकी जापान में, वो थी डायमंड सूत्रा। ये है ना, एक नंबर में भी आ सकता है, सिर्फ पिक्चर नहीं आएगी, एक नंबर में भी आ सकता है, दिस इज डायमंड सूत्रा। देन यहाँ पे दर्शाया हुआ है पेंटिंग है, एक वुड ब्लॉक पेंटिंग है फ्रॉम जापान, डिपिक्ट क्या कर रही है, लाइफ ऑफ मेन एंड विमेन। ये बेसिकली ये दर्शा रही है कि एक ही घर में दो तरीके के जेंडर बैठे हैं और दोनों का जो लाइफ है वो कितनी अलग है। पता नहीं क्या हो गया मेरे पेन को, विमेन इन जापान। नेक्स्ट है आपकी ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली इमेज में आप देख रहे हो गुटनबर्ग की इमेज है और दूसरी इमेज में गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है। बच्चा ये पता होना चाहिए ये प्रिंटिंग प्रेस, आप जैसे ही देखो कुछ तो प्रॉब्लम है, दिस इज गुटनबर्ग एंड दिस इज गुटनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट है आपकी ये इमेज, इस इमेज में प्रिंटिंग प्रेस पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस दिखाई हुई है, दिस इज अ प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग स्टाइल प्रिंटिंग प्रेस, मतलब कि टेक्नोलॉजी वही यूज हो रही है जो गुटेनबर्ग ने बनाई थी, लेकिन ये प्रिंटिंग का पूरा प्रोसीजर दिखाया है जहां पे पेपर की बाइंडिंग से लेके प्रिंटिंग से लेके सब कुछ एक छत के नीचे हो रहा है। और ये जो पन्ना है ये गुटेनबर्ग की फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो थी, गुटेनबर्ग की फर्स्ट प्रिंटेड बुक, बाइबल का पन्ना है, गुटेनबर्ग बाइबल जिसे बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये इमेज भी इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर पहले ही लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट इमेज है। इसमें आप देखोगे तो अगेन प्रिंट कल्चर को एक तरीके से वरदान की तरह दिखाया हुआ है। कई लोगों ने प्रिंट को काफी, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को काफी सराहना की और कई लोगों ने काफी उसे अपोज किया। तो ये जो इमेज है उनके सपोर्ट में बनाई गई थी, आर्टिस्ट का नाम है जे वी शीली। आर्टिस्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, शायद ही पेपर में आए पर पता होना तो चाहिए। शीली 1739 में बनी की थी। आप यहाँ पे देखोगे तो गुटेनबर्ग भी दर्शाए हुए हैं, क्योंकि गुटेनबर्ग को दिखाया गया था कि गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो तो भाई एक ब्लेसिंग है ना, मतलब उसे गॉडस लेके धरती पे आ रही है, तो मतलब जैसे कि भगवान का वरदान हो, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को भगवान के वरदान की तरह दर्शाया गया है। तो दिस डिपिक्ट्स दैट हाउ मच पीपल लव्ड प्रिंटिंग इन दैट एरा। ये गुटेनबर्ग है भी यहाँ पे इमेज में। नेक्स्ट है ये पेंटिंग जो आपकी आई थी पेपर में, सैंपल पेपर में, और इस पेंटिंग को बनाया है राजा रवि वर्मा ने। ये एक माइथोलॉजिकल कहानी यहाँ पे डिपिक्ट की हुई है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि यहाँ पे डिपिक्ट क्या किया है, लेकिन राजा रवि वर्मा इसके पेंटर है। देखो मोस्टली उस चीज के आने के चांसेस होते हैं जो टेक्स्ट में भी दिया हो, सिर्फ इमेज में दिया है तो उसके आने के चांसेस कम होते हैं। अब राजा रवि वर्मा वाली चीज की, वो उस जमाने के बहुत फेमस पेंटर थे और उनकी जो प्रिंटिंग चीजें थी, प्रिंटिंग की हुई चीजें वो काफी जगह पे देखी जाती थी, कैलेंडर में और इधर उधर, तो वो टेक्स्ट में भी दिया हुआ है तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे जो है प्रिंटिंग का अगेंस्ट में फोटोज दिखाई हुई हैं, लोगों को लगता था कि प्रिंट आ जाएगा तो औरतें जो है आदमियों के काम करेंगी और आदमी जो है औरतों के काम करने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में एक इंडियन कपल दिखाया हुआ है, वुड कट इलस्ट्रेशन है, जहाँ पे औरतों को हुक्का पीते हुए दिखाया हुआ है, जो ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि सिर्फ आदमी पीते हैं, और यहाँ पे आदमियों को दिखाया हुआ है वीणा बजाता हुआ, जो अगेन ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि विमेन ही वीणा बजाएंगी, आदमियों का काम नहीं है वीणा बजाना। तो यहाँ पे रोल स्वॉप दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कल्चरल इंपैक्ट ऑफ
ऑफ प्रिंट ऑन मेन एंड विमेन? एंजाइटी दर्शाई हुई है ऑब्वियसली, जिन्होंने पेंटिंग बनाई है उन्हें डर था कि ट्रेडिशनल रोल्स जो है सोसाइटी में वो खत्म हो जाएंगे अगर प्रिंट ज्यादा चलेगा तो। दूसरी जो इमेज है उसमें भी यही दर्शाया हुआ है, इसमें तो देख रहे हो कि एक आदमी को गले से जैसे डॉग्स को लेके घूमते हैं वैसे ही यहाँ पे गले में बांधा हुआ है। तो ये घोरकली, इसका नाम है घोरकली, यानी कि दुनिया का अंत हो जाएगा। ये भी वुडकट इलस्ट्रेशन है, इसमें आर्टिस्ट ये दर्शाना चाह रहा है कि जो फैमिली में रिलेशनशिप होते हैं ट्रेडिशनल फैमिली में, औरतें घर का काम करती हैं या आदमी बाहर जाके काम करते हैं, वो फैमिली रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आदमी को मतलब घर के मैन को हस्बैंड को डोमिनेटेड दिखाया गया है औरतों से। आप देख रहे हो कि जो घर की वाइफ है, जो इस हस्बैंड की वाइफ है, वो उसके कंधे पे चढ़ी हुई है। तो दिस इज अगेन एन एंशियस डिस्क्रिप्शन कि फैमिली रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि वो अपनी मम्मी के गले में तो ये डॉग की तरह लीश बांध के बैठा है कि घर का जो बेटा है वो मम्मी को तो संभाले बैठा है और मम्मी को तो कंट्रोल कर रहा है और एनिमल की तरह ट्रैक कर रहा है, लेकिन उसके सर पे चढ़ी हुई है उसकी वाइफ, क्योंकि नई जनरेशन की जो लड़कियां आ रही थी उस जमाने में उनको फिर भी प्रिंट के बारे में या किताबें पढ़ना आता था। तो अगेन दिस इज एन एंशियस डिपिक्शन और रॉन्ग डिपिक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे एक वेस्टर्न कपल दिखाया हुआ है, यूरोपियन कपल, यूरोपियन कपल इन कॉलोनियल इंडिया। इंडिया क्यों बोल रही हूं मैं, कैसे पता चल रहा हमें कि ये इंडिया दर्शाया हुआ है, क्योंकि यहां पे एक इंडियन दिखाया हुआ है जो वाइन पोर कर रहा है और कॉलोनियल कपल जो है बैठ के वाइन सिप कर रहा है। तो यहां पे एक स्लेव की तरह दिखाया हुआ है इंडियन को, तो दिस इज अ कॉलोनियल इंडिया का डिपिक्शन, ब्रिटिशर्स का डिपिक्शन। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आया था बच्चा आपके पेपर में, मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया है, राजा रवि वर्मा। अब हम चलते हैं पावर शेयरिंग पे, सिविक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे और फिर सेशन हो जाएगा खत्म। चलो पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की ये फोटो है, सबसे पहले जर्मन इंजीनियरिंग दिखाई हुई है, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इसमें दर्शाया जा रहा है कि अच्छा गाड़ी में एक स्टेयरिंग व्हील होता है ना, दो स्टेयरिंग व्हील होंगे तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। स्टेयरिंग व्हील से आप गाड़ी की डायरेक्शन बदलते हो, मोड़ना है, लेफ्ट राइट, ऑल ऑफ दैट, है ना। तो अगर दो स्टेयरिंग व्हील होंगे तो अगर कोई लेफ्ट जाएगा कोई राइट जाएगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इसमें बेसिकली दिखाया है कि डेमोक्रेसी में लोगों के सारे ओपिनियंस को ले दे के चलना पड़ता है और इसीलिए डेमोक्रेसी में कभी कभी गाड़ी रुक जाती है, यानी कि डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट बेसिकली सेज दैट पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी समटाइम लीड्स टू स्लो डिसीजंस। एक तरीके से पावर शेयरिंग की बुराई की हुई है कि पावर शेयरिंग की सारी चीजें अच्छी नहीं होती, कभी कभी ये भी हो जाता है, क्योंकि जितने लोगों से आप पावर शेयर करोगे उतने लोगों को डिसीजन में इंक्लूड करना पड़ेगा और उतना ही आपका डिसीजन डिले होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज दिस फोटो, यहाँ पे वर्ल्ड के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर लीडर्स दिखाए हुए हैं, एक पुतिन दिखाए हुए हैं जो रशिया के बिलोंग करते हैं, एक बुश दिखाए हुए हैं जो तब यूएस प्रेसिडेंट थे, राइट। तो यहाँ पे रशिया और यूएसए दोनों दिखाया है कि डेमोक्रेसी नाम के घोड़े को चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया, न्यू लॉज वर मेड अकॉर्डिंग टू द कार्टून इन द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। सो कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द पॉइंट बिटवीन मेड फ्री। अब देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो घोड़ा है उसके पसीने निकल रहे हैं, इसमें बेसिकली ये दर्शाया है कि डेमोक्रेसी को आप इस तरीके से तो नहीं चला सकते, लेकिन उस जमाने में रशिया में एक लॉ बना था जिसमें पुतिन ने अपनी पावर्स को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे बुश जो है थोड़े से डरे हुए दिखाए हैं और पुतिन जो है काफी स्मार्ट तरीके से बिना डरे निडर बिठाए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि वी गॉट टू कीप द रीन टाइट वाल्दमीर, मतलब दोनों ही लीडर्स डेमोक्रेसी के घोड़े को चाबुक से चला रहे हैं। तो यहां पे दिखाया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कुछ लोगों के हाथ में पावर पूरी की तरीके से होती है डेमोक्रेसी में भी। ठीक है, नेक्स्ट इमेज फेडरलिज्म की है, फेडरलिज्म की पहली इमेज है ये जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप दिखाए हैं। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हमारी खड़ी हैं वो दर्शा रही हैं नेशनल पार्टी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को,
और यहाँ पे जो लाइन में लगे हुए हैं लोग वो दर्शा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहां पे दर्शाया गया है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन होता था पावर का। In the hands of central government before 1990 से पहले जब फेडरलिज्म देश का थोड़ा कमजोर था तब पावर का जो है सेंट्रलाइजेशन होता था और वही डिपिक्शन है। नेक्स्ट फोटो में दिखाया गया है कि 1990 के बाद से कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार बनने लग गई, लेकिन गठबंधन की सरकार की भी ऐसी कोई कम नखरे नहीं थे। तो यहां पे गठबंधन की सरकार की पेरल्स दिखाई हुई है। पेरल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है कि क्या क्या गलत होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। यहाँ देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दिखाई हुई है, एनडीए की सरकार थी, है ना। इस एनडीए की सरकार में आप देख रहे हो कि नीचे गद्दी पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उन सारे लोगों की, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो सिर्फ बीजेपी नहीं था एनडीए में, और भी काफी सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज थी, उन सबकी बातों को सुनना पड़ता है। और यहाँ पे जो बीजेपी के लीडर बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको पसीना आ रहा है, तो डिसीजन लेने में उनको पसीने छूट रहे थे कोलिशन गवर्नमेंट में। सो दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ पेरल्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर जाएंगे हम बाकी के चैप्टर्स पे। ओके यहाँ पे आंसर बताओ यार जल्दी। सुधीर ने बता दिया आंसर, यहाँ पे आंसर है इन अ डेमोक्रेसी इट इज डिफिकल्ट टू अराइव एट डिसीजन विद सो मेनी ओपिनियंस। ठीक है, तो अभी पहले बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? पेरल्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, फ्रूटफुल सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, डिक्टेटरशिप होती है नेशनल पार्टीज की, या डिसेंट्रलाइजेशन की अच्छाइयां? ऑब्वियसली कोलिजन गवर्नमेंट, गॉबलेट, ये जो आग का प्याला है इस पे कोलिजन गवर्नमेंट लिखा भी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जेंडर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की कुछ फोटोज जो हैं आपके रैशनलाइज सिलेबस में कट गई थी, वो वाली नहीं करेंगे, जो सिलेबस में है वो करेंगे। ये एक पोस्टर है जो बंगाल में बना था। बंगाल में यहाँ पे औरतों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पत्थर से बांधा हुआ दिखाया उनके हाथ। तो बेसिकली ये पोस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में औरतों को बहुत ही ज्यादा कैद में रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा बंदिशें लगाई जाती हैं, फिर भी आप इस फोटो में देखोगे तो वो जो वुमेन है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ पत्थर से नीचे बंधे हुए हैं, फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो दिस डिपिक्ट्स की औरतों की कितनी स्ट्रेंथ है, इवन वेन द सोसाइटी होल्ड्स देम बैक दे ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमन दिखाया हुआ है कि सोसाइटी में हम जब भी एक अच्छी औरत की छवि बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि जो अच्छे से सीरियल देखे वो आइडियल व्यूअर है। जो फैशन इंडस्ट्री की बात करो तो हमें लगता है कि अच्छी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छी शक्ल होनी चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए, तो वहाँ पे उस चीज़ का प्रेशर होता है। घर में अगर बात करो तो सोसाइटी बोलती है कि एक आइडियल हाउसवाइफ वो होगी जो बाहर का भी काम कर ले, घर का भी काम कर ले, बच्चे भी संभाल ले, सब कुछ कर ले, राइट। फिर जो इन-लॉज होते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि औरतें जो ज्यादा से ज्यादा दहेज लेके आएंगी वही सबसे अच्छी लड़की है, वही सबसे अच्छी बहू है। और ऑफिसों में देखा जाता है कि एक बेसिकली शो पीस की तरह देखा जाता है कि आप अपने ओपिनियंस अपनी जेब में रखो ना, आप तो शो पीस की तरह, आपको तो अब बस ऑफिस में ऐसे ले लिया है। तो ये इस पोस्टर में डिपिक्ट किया हुआ है कि सोसाइटी जो है कितने सारे तरीके के रोल्स में औरतों को कन्फाइन कर देती है, कितने सारी डेफिनेशन में कन्फाइन कर देती है। सो दिस शोज स्टीरियोटाइप, विमेन स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट विमेन, स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट विमेन और डेफिनेशन ऑफ आइडियल वुमेन। और पोस्टर पूछ रहा है कि इसमें से आप कौन हो, कौन सी चीज में आप फंसे हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट तो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी सा है। यहाँ पे साउथ एशियन रीजन कैंपेन का एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा हुआ है कि साउथ एशिया में एक पर्टिकुलर साल में 50 मिलियन औरतें हैं जो साउथ एशिया में वायलेंस के नाम पे, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे गायब हो चुकी हैं आज तक। 50 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, मतलब 500 लाख, एक साल का डेटा नहीं है, काफी सालों का है, लेकिन 500 लाख औरतें गायब हो चुकी हैं। तो मतलब कि कितना क्राइम है अगेंस्ट वेमेन इन एशियन कंट्रीज, दिस इज वॉट इट डिपेक्ट्स, क्राइम अगेंस्ट वेमेन इन एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट इमेज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से किसी इमेज के आने के अगर सबसे ज्यादा चांसेस हैं तो वो है आपकी ये वाली इमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस इमेज में पार्लियामेंट दिख रहा है, पार्लियामेंट के आगे लीडर्स दिख रहे हैं, ये लीडर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेल लीडर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और यहां पे जो है औरतें दिख रही हैं जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराना चाह रही हैं। तो ये फोटो डिपिक्ट करती है दैट विमेन रिजर्वेशन बिल, अब सही है गलत है वो आपका आपका पर्सपेक्टिव है, बट फोटो डिपिक्ट करती है विमेन रिजर्वेशन बिल नॉट बीइंग एबल टू पास इन द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेशन, क्योंकि पार्लियामेंट में है ही आदमी ना ज्यादा, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा, तो फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल इतने सालों से अटका हुआ है, मेल डोमिनेशन इन पॉलिटिक्स। रास्ता रोक के खड़े हैं, देखो वो बोल रही है वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दो, यहां पे सारे लीडर्स सारे गेट को रोक के खड़े। नेक्स्ट है यहाँ पे वोट बैंक वाली इमेज, ये भी इमेज काफी ज्यादा आने के चांसेस हैं इसके भी। यहाँ पे आप देखोगे कि लीडर्स को वोट बैंक की तरह दिखाया हुआ है, लीडर्स को कम्युनिटीज को वोट बैंक की तरह देखते हुए दिखाया गया है। वो लॉकर रूम में गए हैं, लॉकर रूम में एक लॉकर पे लिखा है राजपूत, एक पे लिखा है यादव कम्युनिटी, एक पे लिखा है कोराई कम्युनिटी, अहिर कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी। वो क्या कर रहे हैं कि उसमें एससी एसटी कम्युनिटी, चाबी लगा लगा के वो लॉकर खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने लोग हो गए हैं उसमें। तो इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे वर्ल्ड के जो लीडर्स होते हैं, या हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के, इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही है क्योंकि कास्ट जो है सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कैसे कास्ट को वोट बैंक की तरह देखते हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ट्रीटिंग कास्ट एज कास्ट ग्रुप्स। As vote bank, harsh reality दिखाई है इंडियन पॉलिटिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट अपार्थीड यहां पर दिखाया हुआ है, यहां पर दिखाया हुआ है कि कैसे हमारे इंडिया में सीवेज साफ करने की जो प्रॉब्लम होती है, यू नो जो सीवेज लाइन्स होती हैं वहां पे अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है फिर भी हमारे इंडिया में सर्टेन कास्ट के लोगों को उतारा जाता है उस मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में, और वो अंदर जाके खुद से वे साफ करते हैं। और आपको मैं बताऊं, इंडिया में इतनी डेथ तो एक्सीडेंट से भी नहीं होती शायद जितना मैनुअल स्कैवेंजिंग से हमारे देश में लोग मरते हैं, और वो सारे कास्ट ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, वो कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो कास्ट इतना ज्यादा पेनिट्रेटेड है इंडिया के अंदर दैट इवन इन लेबर वी हैव कास्ट डिवीजन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन लेबर। ठीक है, चल क्वेश्चन करते हैं। इस फोटो में औरत की कौन सी क्वालिटी को दर्शाया गया है, डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फेमिनिटी। बच्चा एजिलिटी होती है लचक, एक तरीके से मूवमेंट की लचक। फेमिनिटी आपको पता है कि फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी दो क्राइटेरिया होते हैं, मैस्कुलिनिटी को हम एक कन्वेंशनल मैन से एसोसिएट करते हैं, फेमिनिटी को हम एक कन्वेंशनल फीमेल से एसोसिएट करते हैं। यहां पे लेकिन जो क्वालिटी दिखाई गई है वो है स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी। बोलो हम सारे आंसर बी ही है, मोस्टली बी डाल देती हूँ मैं, दैट्स सो ऑब्वियस ऑफ मी। चलो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं और फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। पहली इमेज है ये वाली इमेज, अगर इसमें आप देखो तो पॉलिटिकल लीडर्स चिल्ला रहे हैं, एक के हाथ में मंदिर का पोस्टर है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पे जनरल पब्लिक खड़ी हुई है और वो बोल रहा है कि हमारे लीडर्स नेशनल पेरिल चल रहा है, मतलब देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमारे सारे लीडर्स हैं कहाँ। तो यहाँ पे दिखाया है कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली डेमोक्रेसी की बुराई की है। यहां पे दिखाया है कि कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं कंपटीशन में ही रह जाते हैं, समटाइम्स पॉलिटिकल लीडर्स फेवर पॉलिटिकल कंपटीशन मोर देन देयर एक्चुअल वर्क।
अगेन मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल यही सेंटेंस चिपक के नहीं आ जाएगा पेपर में, बट इससे मिलता जुलता कुछ आएगा। तो यहाँ पे दर्शाया क्या हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है ये। पार्टी के बहुत सारे रोल्स होते हैं, बच्चा पार्टी के ऑपोजिशन पार्टी की तरह रोल प्ले करती है, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट बनाती है, डिसीजन लेती है, पार्लियामेंट में बैठती है, लोगों के ओपिनियंस को शेप करती है। यहाँ पे कौन सा रोल दर्शाया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का? रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि आप देखोगे कि पब्लिक ओपिनियन वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी में हमने ये भी दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी मोर्चे भी निकालती हैं, मूवमेंट को भी लीड करती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों का ओपिनियन शेप करना होता है। कोई मुद्दा अगर उन्हें लगता है इस सोसाइटी में जरूरी है तो वहां पे लोगों में जागरूकता फैलाती हैं वो। तो दिस इज द रोल दैट इज डिपिक्टेड हियर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर मूवमेंट निकालते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज दिस इमेज। इस कार्टून में क्या दर्शाया है? 27% ऑफ द कैनेडियंस थिंक दैट इफ द लिबरल शुड बी इन पावर। दैट द कार्टून विद द डिटरमिनेशन इन द इसमें बेसिकली दिखाया है कि जब बाई पार्टी सिस्टम होता है तो आधे लोग लिबरल्स की तरफ होते हैं, आधे लोग कंजर्वेटिव्स की तरफ होते हैं, बस इतना ही चल रहा होता है। यहाँ पे 27% जनता कह रही है कि हमें तो लिबरल्स चाहिए, 35% जनता कह रही है कि कंजर्वेटिव चाहिए, लेकिन सब लोग मिलके ये कह रहे हैं कि सारे के सारे ही लीडर जो हैं खराब हैं। तो लैक ऑफ चॉइस होती है बाई पार्टी सिस्टम में, लैक ऑफ चॉइस होती है, लैक ऑफ चॉइस इन बाई पार्टी सिस्टम। दो ही पार्टीज होंगी तो बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है ना। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फोटो है। यहाँ पे बर्ल्यूस्कनी दिखाया हुआ है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बर्ल्यूस्कनी जो है इटालियन मिनिस्टर था, और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मोस्टली जो भी मीडिया चैनल्स हुआ करते थे ना, वो बर्ल्यूस्कनी एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट का इंसान था जिसके हाथ में बहुत सारे मीडिया चैनल्स का वो फाउंडर भी था। तो सारे मीडिया चैनल्स उसने कंट्रोल किए हुए थे। तो जब मीडिया चैनल आपने कंट्रोल किया हुआ है तो आप अगर मिनिस्टर हो तो आपकी कोई बुराई तो करेगा नहीं, आपकी बुराई आनी नहीं। तो यहाँ पे मीडिया कंट्रोल दिखाया हुआ है। सो मीडिया पॉलिटिशियंस कंट्रोलिंग मीडिया, मनी एंड मसल पावर से रिलेटेड है। मनी पावर विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम। अगर आप इसमें देखोगे तो एक कॉरपोरेट का इंसान दिखाया हुआ है जो पिक की तरह रिप्रेजेंट किया है, और उस कॉरपोरेट के इंसान के पास बहुत सारी पॉकेट दिखाई हैं, और उसकी पॉकेट में पूरी डेमोक्रेसी के सारे मेजर लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सीनेट्स बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंसी बैठी हुई है, फॉक्स यानी कि वहां का शेयर मार्केट बैठा हुआ है। तो ये दर्शाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो, लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका में कॉरपोरेट के जो मेजर लोग होते हैं वही डेमोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी आप देखोगे तो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन है वो एक कॉरपोरेट फिगर बहुत सारे सालों से। ठीक है, तो दिस इज वॉट इज शोन कॉरपोरेट। एक सेकेंड रुको, लाइव चैट। ये इमेज किसी के प्री बोर्ड में आई थी, बिकॉज इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आई थी श्रेया कह रही, आई थी कॉरपोरेट डिक्टेटिंग मेजर डिसीजंस इन डेमोक्रेसीज, मतलब कॉरपोरेट लोग ही मेजर डिसीजंस ले रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है ये। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ तो बना दिया कि अगर आपको बनना है कोई कैंडिडेट इलेक्शन में, तो आपको पहले एफिडेविट साइन करना पड़ेगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी सारी की सारी फॉर्म्स जो है सबमिट करने पड़ेंगे। बट यहाँ लिखा हुआ है यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। क्योंकि कभी कभी पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो देश का भला करने के लिए नहीं होते, वो अपने जेबें भरने के लिए होते हैं। जब उनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो पता चलता है आपके पास तो इतनी ऑलरेडी संपत्ति है, आप पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहते हो। तो यहां पे भी क्या दिखाया है? मनी पावर इन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी अगेन। नेक्स्ट है ये वाली इमेज। डू यू अग्री विद दिस फॉर्म ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एक्सेप्टेबल टू देम?
वेरी इंटरेस्टिंग इमेज, मैंने भी पहली बार देखी है आज, ये शायद मिस हो गई थी मेरी आंखों से भी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हेड को दिखाया हुआ है, इलेक्टोरल कमीशन के हेड को, और वो बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल डिसिप्लिन जो है तुम्हारे बस की बात नहीं है। और यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर दिखाए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हेड को एक डिक्टेटर की तरह दर्शाया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया है दैट अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा रिफॉर्म करेंगे तो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी चला जाएगा। दैट टू मच ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज माइट किल द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, माइट किल द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सब कुछ फ्री होता है ना, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा रेगुलेट करने लग गए तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन आ गए हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि इस फोटो में कौन सा रोल पॉलिटिकल पार्टीज का सिग्निफाई हुआ है? राइट आंसर इज एज एन ऑपोजिशन, और नहीं नहीं एज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्वेश्चन बचा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इमेजेस आने के बहुत सारे चांसेस हैं। पहली इमेज है ये वाली, इसमें आप देखते हो कि डेमोक्रेसी को वीक दिखाया गया है, डेमोक्रेसी को दिखाया है कि वो मल्टीपल प्रेशर से कोप करती रहती है, उस पर इतना सारा प्रेशर है। इस पत्थर का नाम डेमोक्रेसी रखा है और इस पत्थर पे जो बैठा है एक तरीके से आप उसे नेशनल लीडर मान सकते हो, और उस नेशनल लीडर पे अलग अलग पत्थर आ रहे हैं। स्टूडेंट अपनी डिमांड दे रहे हैं, पुलिस अपनी डिमांड दे रही है, कॉरपोरेट अपना डिमांड दे रहा है। सो दिस शोज दैट डेमोक्रेसी हैज मल्टीपल प्रेशर्स। टू अकोमोडेट पीपल्स डिमांड, इतने सारे लोग और इतनी सारी डिमांड्स को करना पड़ता है अकोमोडेट, दैट दिस इज वॉट इट शोज। नेक्स्ट इज दिस वाली फोटो, इसमें दिखाया है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। देखो क्या दिख रहा है, यहां पे एक बाइनोकुलर दिखा हुआ है, मतलब कि दूर देखने वाला जो यंत्र होता है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स के एक एंड पे जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक इस वाले एंड से है जिसमें से बाइनोकुलर के अंदर देखा जाता है ना, तो वहां से तो कुछ दिखेगा नहीं। एक ही साइड से आप देखोगे तो कोई चीज एनलार्ज होकर दिखेगी। और यहां पर दिखाया हुआ है गवर्नमेंट, तो बेसिकली दर्शाया जा रहा है कि गवर्नमेंट तो लोगों की जिंदगी में जो चाहे देख सकती है, लेकिन जब लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में उनको उनके बारे में पता चले तो उनको पता नहीं चलता है। तो यानी कि डेमोक्रेसी में जितना मर्जी कह लो ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो जब चाहती है जनता के साथ शेयर करना तो करती है, जब नहीं चाहती है तो नहीं शेयर करती है। तीसरी फोटो यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है, दैट इन अ डेमोक्रेसी देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट होता है ये हम मानते हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट का ज्यादा हिस्सा जो है रिच लोगों को जाता है। जो ऑलरेडी रिच होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं, जो और गरीब जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास को कभी फायदा मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आप इसमें देखोगे कि ये अमेरिका की डेमोक्रेसी दिखाई है, क्योंकि इसकी जो टोपी है उस पर अमेरिका का झंडा बना है। तो अमेरिका के झंडे में देख रहे हो कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही अल्ट्रा रिच है, यानी कि उनमें इतना सारा पोषण है, बीच वाली जनता है जो ठीक ठाक है, थोड़ा अच्छा कर रही है थोड़ा बुरा कर रही है, और जो टांगे हैं इस डेमोक्रेसी की वो दिखाया है एज गरीब लोग। तो यूएसए जो दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसीज में काउंट होती है, उसमें भी दिखाया है कि कुछ लोगों को इनकम मिलती है, डेवलपमेंट मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इमेज, इसमें दिखाया हुआ है पुअर पीपल हैव नो वॉइस। देखो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन इतने देश में गरीब लोग होते हैं जिनके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता है, राशन कार्ड नहीं होता है, तो वो लोग थोड़ी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और जब वो लोग वोट की तरह काउंट नहीं हो पाते हैं तो उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। तो चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, गरीब लोगों के पास कभी भी आवाज नहीं होती है। आप जो इसमें इंसान देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, उसके कपड़े काफी फटे हुए हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है गरीबी, और मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, विच रिप्रेजेंट दैट पुअर पीपल डू नॉट have a voice no matter which form of government we are talking about. Next hai ye wali image, again a very interesting image,
इसमें पिज्जा की तरह दुनिया को दर्शाया गया है, दुनिया की अमीरियत को, दुनिया के पैसे को पिज्जा की तरह दर्शाया गया है, और लिखा है कि 50% गरीब जनता जो है उसके पास ये पतला सा स्लाइस आता है दुनिया की इनकम का, और 2% जो जनता है, जो अमीर जनता है, उसके पास पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा होता है, यानी कि बड़ी सी पिज्जा की स्लाइस आती है। तो इसमें अगेन इनकम इनइक्वालिटी दिखाई है इन वर्ल्ड। रिसोर्सेस के टर्म में देखो, पैसे की टर्म में देखो, अमीर लोगों के पास कम से 2% अमीर लोगों के पास दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ है, और 50% गरीब लोगों के पास इतना छोटा सा पिज्जा का स्लाइस है। बोलोगे मैम मिडिल क्लास पॉपुलेशन का क्या, मिडिल क्लास पॉपुलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं की गई है। देन नेक्स्ट इमेज इज दिस, यहाँ पे डेमोक्रेसी के दो एस्पेक्ट दिखाए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में सोशल डिविजन्स होते हैं, सोशल डिविजन्स इन आर डेमोक्रेसी। अगर अच्छी डेमोक्रेसी है तो वो सोशल डिविजन जो है हाथ में हाथ मिला के चलेंगे, दोस्ती करेंगे। बैड डेमोक्रेसी में वो सोशल डिविजन जो है दुश्मन बन जाएंगे, और गुड डेमोक्रेसी में जो है वो दोस्त बन जाएंगे। तो होते हर जगह है सोशल डिविजन, लेकिन गुड और बैड का फर्क है। फिर ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इमेज बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इमेज। एक सेकेंड देना मुझे। ओके हाँ जी, इस इमेज में क्या दर्शाया हुआ है, ये एक वुमन बैठी हुई है, ब्लैक वुमन बैठी हुई है, और उसके हाथ में जो बैग है उस पर लिखा हुआ है रोजा पार्क्स। बच्चा रोजा पार्क एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थी। आपको पता है कि यूएसए में भी कलर के नाम पे बहुत भेदभाव होता था, रेसिज्म होता था। रोजा पार्क एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थी उस जमाने में जब वहां पे मूवमेंट चल रहा था, सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक लीडर है, छोटा सा लीडर है, और ये रोजा पार्क अपनी सीट पे बैठी हुई है, और वो बोल रहा है कि मेरी सीट से हटो। तो बेसिकली इवन इन अ डेमोक्रेसी, नो मैटर हाउ ग्रेट ऑफ पावर यू हैव, समटाइम्स द डेमोक्रेसी, द लीडर्स हैव द पावर टू डिमीन यू, डेरोगेट यू। सो दिस इज बेसिकली शोन लैक ऑफ इक्वालिटी अमंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उस लेडी को उसकी सीट से हटाया जा रहा है, विच रिप्रेजेंट्स रोजा पार्क। नाउ नेक्स्ट इज दिस बारग्राफ, एक बहुत ही इजी सा बारग्राफ है। इसमें दिखाया है कि साउथ एशिया से पूछोगे कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, तो ज्यादा लोग मानते हैं कि इफेक्टिव है, उनका वोट से डिफरेंस आता है। पाकिस्तान में कम लोग मानते हैं, श्रीलंका में अच्छे खासे लोग मानते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी में उनके वोट से कुछ फर्क पड़ता है, पर खैर श्रीलंका की हालत तो हम देख ही रहे हैं। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि साउथ एशियन कंट्रीज में तो फिर भी लोग मानते हैं कि वोट से डिफरेंस आता है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, दोनों होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा। पहला होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और दूसरा होमवर्क, अच्छा एक ही होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आंसर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आने की उम्मीद है पूरी पूरी। सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। इस एक लेक्चर के अलावा आपको कोई और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सी यू टाटा एंड बाय बाय।